हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं अपने असाइनमेंट सबमिट और कौन कौन से आरसी के द्वारा अभी तक असाइनमेंट सबमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। सो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, बट अभी तक स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं और सबमिट कहाँ करने हैं। सो जिन स्टूडेंट को पता नहीं है असाइनमेंट के बारे में, वो ऊपर दिए गए हुए आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे बनाना है, कहाँ सबमिट करना है, कब तक सबमिट करना है, सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ था ऑलरेडी पहले ही। बट अब बात करते हैं कि असाइनमेंट सबमिट कहाँ करने है, और आप सभी को असाइनमेंट स्टडी पर सबमिट करने होते हैं ऑफलाइन मोड में, बट ड्यू टू COVID-19 ऑनलाइन सबमिट हो रहे थे सभी के असाइनमेंट। जितने भी आरसीज हैं उन सभी ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया था। हालांकि अभी तक 3 आरसीज ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया है, बाकी जो आरसीज हैं उन्होंने अभी असाइनमेंट सबमिशन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करा है। सबसे पहला नोटिफिकेशन नोएडा आरसी की तरफ से जारी किया गया था, जिन्होंने बोला था कि जो भी स्टूडेंट नोएडा आरसी के हैं वो अपने असाइनमेंट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और मैंने इंस्टाग्राम पर भी पहले ही पोस्ट कर दिया था इसके बारे में कि नोएडा आरसी ने इंस्ट्रक्शन और साथ ही स्टडी सेंटर वाइज लिंक रिलीज करी गई थी। सो जो भी स्टूडेंट नोएडा आरसी के हैं वो इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के लिंक्स भी मिल जाएंगी से आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन दिल्ली आरसी 2 की ओर से जारी करा गया है। दिल्ली आरसी 2 ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर इंस्ट्रक्शन और साथ ही गूगल लिंक्स और ईमेल आईडीज प्रोवाइड करी हैं स्टडी सेंटर वाइज। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिल्ली आरसी 2 की ओर से जारी करे गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि COVID-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है कि सभी स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर दी गई हुई है इस नोटिफिकेशन में। हालांकि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बट अभी तक 30 सितंबर है असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट। और साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हुए हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया हुआ है, असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन और स्कैंड। तो असाइनमेंट जो होने चाहिए वो हैंड रिटन ही होने चाहिए और प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए। चेक करने के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचर कट कर देगा उस असाइनमेंट को। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि जो स्टूडेंट का फर्स्ट पेज है उसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल होनी चाहिए, स्टूडेंट का नेम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, प्रोग्राम, फोन नंबर एक्सेट्रा, सारी डिटेल होनी चाहिए प्रॉपरली असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे। और असाइनमेंट स्कैन करने के लिए आप फोन का यूज कर सकते हैं या फिर कैप स्कैनर का यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने असाइनमेंट प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं 1 by 1। और सभी असाइनमेंट की सिंगल PDF होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मान लेते हैं जो स्टूडेंट MG प्रोग्राम के हैं तो उनके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो चारों सब्जेक्ट की अलग अलग PDF होनी चाहिए और उनको 1 by 1 ही सेंड करना है, या फिर ईमेल के द्वारा या फिर गूगल फॉर्म के द्वारा। और जो फाइल का नेम होगा वो इनरोलमेंट नंबर के साथ कोर्स कोड होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया गया है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं स्टडी सेंटर वाइज। कुछ स्टडी सेंटर ने बोला है कि ईमेल पे अपने असाइनमेंट सबमिट करें, कुछ ने बोला है कि आप गूगल फॉर्म के द्वारा अपने असाइनमेंट सबमिट करें, और कुछ ने बोला है कि आप अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। सो इन PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपके लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते, अपने कॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज ने क्या बोला है कि ईमेल के द्वारा सबमिट करना है असाइनमेंट, या फिर गूगल फॉर्म के द्वारा, या फिर बाय हैंड भी कर सकते हैं। अगर बाय हैंड मेंशन है तो आप बाय हैंड ही करें। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गूगल फॉर्म रिलीज करा है, यहाँ पे आपको कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हुए हैं। जैसे ही आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, जिनको आपको रीड करना है एक एक करके। सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद ही अपने असाइनमेंट सबमिट करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करते हैं और अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। तो ये थी 3 आरसी जिनके द्वारा अभी तक ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, नोएडा, दिल्ली आरसी 2 और जोधपुर आरसी। अभी धीरे धीरे करके सभी आरसी के द्वारा ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के नोटिफिकेशन रिलीज करे जाएंगे। तो आप अपने असाइनमेंट जल्द से जल्द बना लें और अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर दें अगर आपकी आरसी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट सभी स्टडी सेंटर ओपन होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।